हेलो फ्रेंड्स, डेली एस्ट्रो टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम केतु के फिफ्थ हाउस के बारे में बात करेंगे, गुड, बैड और रेमेडीज़, इन तीनों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले गुड एस्पेक्ट से। तो दोस्तों, ऐसा जातक फाइनेंशियली साउंड होगा, यानी कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो ऐसे जातक के पास अवश्य होंगी, और विदेश जाने की चाह होगी ऐसे जातक की, और पूरी भी होती है। बाकी केतु इन द फिफ्थ हाउस ये जातक को कंसंट्रेशन एक तरह हम कह सकते हैं प्रदान करता है। तो अगर कंसंट्रेशन होगी तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके एजुकेशन पे पड़ेगा, और एक अच्छी हाईली क्वालिफाइड आप पर्सन हो सकते हैं। एक अच्छी एजुकेशन अचीव करने में ये आपको हेल्प करेगा। बाकी आपकी बातों का असर काफ़ी होगा, मतलब आप जो बोलते होंगे उनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता होगा आपके जो भी सराउंडिंग नियर बाय पर्सन्स होंगे। तो ये हम कहें तो कुल मिला के एक गुड एस्पेक्ट है। बैड एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर बैड हुआ केतु इन द फिफ्थ हाउस, तो एक तो ये आपकी एजुकेशन को डिस्टर्ब करेगा, हायर एजुकेशन में कुछ ब्रेक्स या बीच में छूट सकती है। बाकी आपके भाइयों से आपका विवाद हो सकता है, दुश्मनी तक हो सकती है, कोर्ट केस तक जा सकता है। बाकी आप पुत्र ना के बराबर या नहीं होंगे, अगर हुआ तो पुत्र से झगड़े या वाद विवाद, प्रॉपर्टी या कुछ भी लेके इन चीज़ों को लेकर रह सकता है। पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। पानी से डर लगता होगा ऐसे जातक को, और जो सबसे मैं कह सकता हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो ये है कि ऐसे जातक को बच्चा होने में काफ़ी डिले हो सकता है, या कभी कभार देखा गया कि ऐसे जातक के बच्चे होंगे ही नहीं, या डिले होंगे या होंगे नहीं, या सिर्फ कन्याएं होंगी ऐसे जातक की। तो ये एक प्रभाव रह सकता है बैड पे। अब हम क्विकली रेमेडीज की बात कर लेते हैं इस पे। तो रेमेडीज दोस्तों, जो बृहस्पति के लिए रेमेडीज करते हैं, एक तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा चावल, मूंग मसूर की दाल और दूध, इन तीन चीज़ों का दान, चाहे किसी गरीब, चाहे नियर बाय मंदिर, जहाँ भी आपको सही लगे, बट एज ए नीडी पर्सन को दान दें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो भगवान आपका कल्याण करें। इसी आशा के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं केतु के सिक्स हाउस पे लेके आऊँगा। Thank you for watching.